खबर उत्तरकाशी से है। उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर के शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदू संगठनों की ओर से जिला मुख्यालय में जन आक्रोश रैली पर हुए पुलिस के लाठी चार्ज और पथराव के बाद से मामला और ज्यादा गर्मा गया। घटना से नाराज हिंदू संगठनों ने बाजार बंद का आह्वान किया। यहाँ भटवाड़ी डुंडा समेत कई इलाकों में बाजार बंद रहे। इस प्रदर्शन में व्यापार संघ भी शामिल है। तो वहीं बाजार बंद रहने से चार धाम यात्रा के श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। वहीं लोगों में आक्रोश को देखते हुए उत्तर काशी में जगह जगह पुलिस बलों की तैनाती है। पुलिस ने कई इलाकों में बैरिगेटिंग और ज्यादा बढ़ा दी है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल ये उस दौरान की तस्वीर है जब हिंदू पक्ष की ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा था और ये मांग की जा रही थी कि अवैध निर्माणों को हटाया जाना चाहिए, खासतौर पर अवैध तरीके से जिन मस्जिदों का निर्माण किया गया है। और क्योंकि इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के जहां इससे पहले आपने हिमाचल की स्थिति देखी होगी, आपको याद होगा कि इसी प्रकार से हिंदू संगठन की तरफ से हिमाचल प्रदेश के सांगली में विरोध प्रदर्शन किया गया था मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर के, और अब वैसी ही रूपरेखा, वैसी ही तस्वीर उत्तराखंड में भी नजर आ रही है। और दोनों ही जगहों पर यह मांग है स्थानीय लोगों की कि जो बाहरी लोग आकर के रह रहे हैं, सबसे पहले तो उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए और जिस तरह वो अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं उस पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। समय रहते पहले एक्शन होता नहीं है और जब पूरी डेमोग्राफिक चेंज हो जाती है तब उसके बाद से पुलिस की तरफ से कभी कार्रवाई होती है तो कभी कोई मामला सामने आता है। और इस चीज का इंतजार इस वक्त उत्तरकाशी की जनता नहीं करना चाहती। उत्तरकाशी में लोगों की ओर से कहा जा रहा है, मांग की जा रही है कि सबसे पहले तो जो अवैध रूप से एक मस्जिद को तैयार किया गया है उसे यहां से हटाया जाए। लेकिन इसी बीच जिस वक्त ये प्रोटेस्ट चल रहा था, पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों को जहां कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान अचानक से मकान की छत से इस प्रदर्शनकारियों पर और जो पुलिस वहां तैनात थी उन पर एक बोतल फेंक दी जाती है, पथराव शुरू हो जाता है, जिसके बाद से हिंदू पक्ष भी आग बबूला होता है और फिर यह सवाल पुलिसकर्मियों से भी पूछा जाने लगता है कि आखिर जो कार्रवाई वो अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं वो हिंदू पक्ष को अब तक शांत कर रहे थे, लेकिन अब इसके बाद क्या। और इसके बाद ही देखते देखते ये भीड़ हिंसक हो गई। दूसरे समुदाय के लोगों के दुकानों को निशाना बनाया गया, वहां भी पत्थरबाजी की गई, कई जगहों पर तोड़फोड़ भी की गई। तो फिलहाल इस वक्त मामले को कंट्रोल में करने की कोशिश उत्तरकाशी में पुलिस की ओर से की जा रही है। जगह जगह पर पुलिसकर्मियों की तैनाती है, कई जगहों पर बैरिगेटिंग के लेयर्स को बढ़ा दिया गया है, खासतौर पर उस स्थान पर जहां पर यह मस्जिद है और मस्जिद को लेकर के पूरा विवाद है। तो फिलहाल विवाद और आगे ना बढ़ने पाए इसके तहत में इस वक्त पुलिस बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, फिलहाल उत्तरकाशी में कैसे हालात है, सबसे पहले तो हम आपसे वहां के हालातों को लेकर के अपडेट जानना चाहेंगे। बिल्कुल, उत्तरकाशी की अगर बात करें तो शिव की नगरी काशी कही जाती है और इस नगरी में जो इस तरीके की चीजें हैं वो बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि वहां जो मस्जिद है, हिंदू संगठनों द्वारा लगातार बोला जा रहा था, प्रशासन को एक्टिव कराया गया था, प्रशासन को ज्ञापन भी दिया गया था कि ये अवैध मजार है, अवैध मस्जिद है, इसको हटा दिया जाए, लेकिन फिलहाल ना प्रशासन ने सुना और ना ही मुस्लिम संगठनों ने सुना। तो हिंदू संगठन के जितने भी लोग हैं उन्होंने जो है पूरा बाजार बंद किया, वो आक्रोशित दिखे, क्योंकि वो जो मस्जिद है वो एक धर्म विशेष को लेकर के और एक ऐसी जगह पे बनाई गई है जहां पे जो है सभी लोग वहां पे आते हैं और कहा जाता है वो अवैध है। पूरी तरीके से प्रशासन ने भी इस बात को देख लिया है कि वो मस्जिद अवैध थी, लेकिन अब जो कि विवाद उन्होंने मजिस्ट्रेट को भी दिया, जिलाधिकारियों को भी ज्ञापन दिया, जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तब उन्होंने इस प्रकार से प्रदर्शन किया और पूरे उत्तरकाशी का बाजार इस समय पूरी तरीके से बंद है। पुलिस ने हालांकि लाठीचार्ज जरूर किया है हिंदू संगठनों के ऊपर, लेकिन फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है जरूर, लेकिन शांतिपूर्वक जरूर है वहां पे। जी ठीक है अनुज, साथ ही साथ हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि हिंदू पक्ष का ये आरोप था कि जिस वक्त वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन वहां पर जो दूसरे समुदाय के लोग पहले से एक मकान की छत पर मौजूद थे उनकी तरफ से पहले पत्थरबाजी की गई, पहले बोतल फेंका गया और जिस वजह से ये भीड़ हिंसक हो उठी।
वो जो मस्जिद थी उसको लेकर के लगातार विवाद चल रहा था, इसको लेकर के जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्होंने पत्थरबाजी कर ली, वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे कि ये मस्जिद यहाँ से नहीं हटेगी, ये अवैध नहीं है। लेकिन हिंदू संगठन ने बकायदा अपने कागज पेश किए और कागज पेश करने के बाद जिलाधिकारियों को भी, जिलाधिकारी को भी इस बात को बोला है, पुलिस प्रशासन को भी बोला था कि ये अवैध मजार यहाँ पे बनी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है गलत मदरसे भी है और मदरसों में गलत प्रकार की चीजें हो रही है, प्रशासन को चेताया भी था। लेकिन जब प्रशासन ने कोई एक्शन उस पर नहीं लिया तो हिंदू संगठन के जितने भी लोग थे, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे हिंदू युवा वाणी हो, चाहे उत्तराखंड हिंदू युवा संघ हो, इन तमाम जो संगठन थे उन संगठनों ने वहां पे प्रदर्शन भी किया, और साथ जैसे ही वो प्रदर्शन करने के लिए आए तो उसी समय जो है छत के ऊपर से पत्थरबाजी होने लगी। पत्थरबाजी के दौरान लगातार जब पुलिस हरकत में आई तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिसमें जो संगठन के लोग हैं वो प्रदर्शन करने गए, पूरा बाजार फिलहाल बंद करवा दिया गया, पुलिस अलर्ट पे है, कर्फ्यू लगा दिया गया, और साथ साथ जिलाधिकारी ने अलर्ट पे भी कहा कि कोई भी सांप्रदायिक तनाव न होने पाए, कोई भी सांप्रदायिक न होने पाए, सभी लोग भाईचारे के साथ रहे। इस तरीके के विवाद पहले भी विवाद हुआ था उत्तरकाशी में, लेकिन आज चूंकि जो है लगातार हिंदू संगठन बार बार बोल रहे थे लेकिन जिलाधिकारी ने उस पर संज्ञान नहीं लिया, अब जब इस तरीके के मामले आ रहे हैं तब जिलाधिकारी संज्ञान ले रहे हैं। जी चलिए ठीक है अनुज, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल उत्तरकाशी की स्थिति जो इस वक्त दिखाई दे रही है, इससे पहले भी आपको याद होगा कि कैसे पुष्कर सिंह धामी भी ये कह चुके हैं कि अगर इस तरीके से आपको देवभूमि में रहना है तो फिर ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो उपद्रव मचाने की कोशिश करे, उत्पात मचाने की कोशिश करे या शांति को भंग करने की कोशिश करे। लेकिन अगर आप भाईचारे के साथ में रहते हैं तो फिर हर किसी का ही और हर व्यक्ति का खुले दिल से स्वागत किया जाएगा। अंगड़ाई है, और अगर हमको प्रशासन ने, शासन ने इस प्रकार से दबाओ और हमें दबाने की कोशिश की तो आगे बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, क्योंकि हिंदू समाज जग चुका है। हम लोग गांव-गांव में जाकर ढोल बाजे के साथ हजारों लोगों के साथ दोबारा से इस उत्तरकाशी नगरी के अंदर फिर से हम लोग इससे भी ज़्यादा से हजारों की संख्या में लोग यहाँ आएंगे, और फिर शासन प्रशासन जो जिस प्रकार से हमारे हमको हिंदू समाज को दबाने की कोशिश कर रहा है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मेन क्या है कि उत्तरकाशी के अंदर एक मस्जिद है यहाँ पे जिसे बोलते हैं, तो इन्होंने अगर ये जमीन अपने मकान बनाने के लिए ली तथा कुछ ये करके इसमें षड्यंत्र रच के इन्होंने क्या किया कि इस पर मस्जिद का निर्माण करवाया, और जब मस्जिद का निर्माण कराया तो ये 1969 में ली गई है भूमि और 2005 में इसका दाखला चढ़ा है, और दो नाली इन्होंने बब बोर्ड को भी दान, सुनी बब बोर्ड को दान कर रखी है। तो यहाँ पे सुनी बब बोर्ड कहाँ से आ गया? अगर वो सुनी बब बोर्ड को अगर दान की तो 57 के बाद तो बब बोर्ड ख़त्म है, उसकी प्रॉपर्टियाँ आज भी 1,21,00,000 प्रॉपर्टी